सोनल गुरुजी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये है Realme Narzo 30 Pro 5G। दोस्तों आज बात करने वाले हैं कैमरे के बारे में, कैमरे में आपको क्या क्या फ़ीचर मिलते हैं अपडेट के बाद। न्यू अपडेट आया था दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आपको कैमरे में क्या क्या फ़ीचर देखने को मिलते हैं आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम कैमरा को ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको नाइट मोड देखने को मिलता है फ्रंट साइड में, और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 1x जूम यहाँ पर कर सकते हैं, 2x जूम है और 5x जूम का आपको यहाँ पर जो ऑप्शन है देखने को मिलता है नाइट वाले में। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन भी मिल जाता है आपको नाइट मोड के अंदर, तो सिंपली ये वाला जो ऑप्शन है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों वीडियो मोड में चलते हैं, तो वीडियो मोड में भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी वीडियो क्वालिटी देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर भी आप जो है वाइड कैमरा का यूज़ कर सकते हैं और 1x 2x और 5x जूम का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद दोस्तों फ़ोटो की बात करते हैं, तो फ़ोटो में भी आपको जूम का ऑप्शन मिलता है, अल्ट्रा वाइड भी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपको एडिशनल फ़ीचर भी मिल जाते हैं। और पोर्ट्रेट मोड दोस्तों आपको देखने को मिलता है, इसमें आपको जूम का ऑप्शन नहीं मिलता है, 48 मेगापिक्सल का यहाँ पर जो मोड है देखने को मिल जाता है। इसके बाद मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्लो मोशन, टाइम लैप्स और मूवी, एक्सपर्ट मोड, पैनोरामा मोड, टेक्स्ट स्कैनर और अल्ट्रा मैक्रो जैसे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो पास की चीज़ों को दोस्तों आप मैक्रो कैमरा से यहाँ पर जो फ़ोटो है कैप्चर कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको फ़ोटो मोड के अंदर और क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको मिल जाता है फ्लैश लाइट का ऑप्शन, HDR सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, AI जो फीचर है देखने को मिल जाता है, फ़िल्टर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फ्रेम वगैरह, टाइमर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा वीडियो मोड में जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भी आपको कुछ एडिशनल फ़ीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे स्टडी मोड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों फ़िल्टर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, तो फ़िल्टर्स वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे फ़िल्टर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको जो वीडियो के अंदर भी मोड देखने को मिलता है, सेटिंग्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एडिशनल सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाती हैं। और वीडियो रेजोल्यूशन बात करें तो यहाँ पर 4K का वीडियो रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पर 30fps में वीडियो को कैप्चर कर सकते हैं, यहाँ पर 4K देख सकते हैं। और 1080 पिक्सल में दोस्तों आप 60fps और 30fps का फ्रेम रेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर दोस्तों 720 पिक्सल में करते हैं, तो इसमें भी आप यहाँ पर 60 और 30fps में यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा स्लो मोशन में दोस्तों आपको 1080 पिक्सल का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे एडवांस सेटिंग में आपको क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा शूटिंग मोड पर आप देख सकते हैं, और दोस्तों शटर साउंड का ऑप्शन भी मिल जाता है, लोकेशन वगैरह देखने को मिल जाती है, वाटर मार्क वगैरह आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फ्रंट कैमरा की साइड आपको क्या क्या फ़ीचर देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रंट कैमरा पे यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आपको वीडियो का ऑप्शन मिलता है, नाइट मोड का ऑप्शन मिल जाता है, फोटो का ऑप्शन मिल जाता है, पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन मिल जाता है, ब्यूटी का भी ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, और साथ में फ़िल्टर का ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं और सेटिंग्स ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अंदर दोस्तों हम सेटिंग्स पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें आपको कितना जो है वीडियो रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1080 पिक्सल सपोर्ट करता है, और स्लो मोशन भी दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सारे फीचर दोस्तों कमाल के आपको देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों आपको फ़ोटो मोड भी देखने को मिल जाता है और पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाता है। मोर पर चलेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको टाइम लैप्स और पैनोरामा मोड देखने को मिलते हैं। तो ये सारे कमाल के फीचर दोस्तों आपको न्यू अपडेट के बाद देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।